पप्पू यादव से नाराज भोजपुरी जनमोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ने उतरे, किया नामांकन। कल तक बड़हरा सहित कई स्थानों पर पप्पू यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा करने वाले भोजपुरी जनमोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज उनके खिलाफ आग उगल रहे हैं। पप्पू यादव से नाराज भोजपुरी जनमोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी ने आरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा की और उन्होंने नामांकन भी कर दिया। नामांकन के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए भरत सिंह सहयोगी ने कहा कि मैं नामांकन नहीं करना चाहता था, मैं अपने बेटे राजू सिंह सहयोगी को मैदान में उतारना चाहता था, जिसके लिए मैंने समर्पण भाव से पप्पू यादव को समर्थन भी दिया था, लेकिन उन्होंने मेरे साथ धोखा किया, इसलिए मैंने अंतिम समय में नामांकन किया। आइए सुनते हैं कि भोजपुरिया जनमोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी ने और भी क्या कुछ कहा है। आरा विधानसभा क्षेत्र से नामांकन किया है, क्या कहेंगे जनता को? देखिए, नामांकन हम करने के मूड में नहीं थे। मेरा मूड था कि हमने दो तीन बार लोक चुनाव लड़ा, लोकसभा और विधानसभा। अब की बार हमने सोचा था कि राजू सिंह सहयोगी को आरा विधानसभा क्षेत्र से हम लड़ाएं, लेकिन पप्पू यादव जिनके लिए समर्पण भावना से हम साथ दिया, आज अंतिम समय में उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया, इससे मजबूरी में हमने पर्चा भरा है। कोई कौन से पार्टी से भरे पर्चा? भूतप्रिया जनमोर्चा से। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? हाँ, मेरा मुद्दा है कि जैसे मॉरीशस देश हो गया, हर लोग वहाँ खुशहाल है, हर लोग को चरपहिया गाड़ी है, हर लोग जो है पक्के मकान में रहते हैं, ना वहाँ कोई जाति है, ना कोई वहाँ मजहब है, ना कहीं वहाँ धर्म धर्म की लड़ाई है। तो वो तर्ज पर हम भोजपुरी क्षेत्र को देखना चाहते हैं। अब जनता मालिक है। पप्पू यादव को आपने समर्थन दिया था और आपके बेटे को चुनाव लड़ाने की आपने बात भी कही थी राजू सिंह सहयोगी को, फिर ऐसा क्या हुआ कि पप्पू यादव ने टिकट नहीं दिया विधानसभा? वास्तविक रूप में वो जाति की लड़ाई लड़ते हैं और हम जो है एक जमात की लड़ाई लड़ते हैं। अभी देख लीजिए, उनका बड़हरा में भी जादो, जगदीशपुर में जादो, आरा में जादो, संदेश में जादो, तो जाति के लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन शाहपुर में तो ब्राह्मण के दिए, लेकिन राजपूत के उनको नहीं जच रहा है। शायद एक आध को भूतपुरी क्षेत्र में दिए हो, हम नहीं कह पाएंगे। क्या मानना है आपका कि एक जाति विशेष से उनको क्या कोई परेशानी है क्या? ओ क्या सीधे सीधे क्या कहना चाहते हैं? वो आप चाहते हैं कि हम जात के नेता बन जाए, हम जादो जाति के नेता बन जाए। हम मेरा संकल्प है कि जात पात को खत्म करिए और एक जमात बनाइए। अगड़ी पिछड़ी, गरीब गुरबा, ये सब जो है एक साथ बैठकर खाएं। हमारा भूतपुरांचल राज्य जो हमने सपना देखा है, तो उस वो सपना को हम चाहते हैं कि हम संघर्ष के माध्यम से भोजपुरी के लिए लगातार आप संघर्ष करते रहे हैं। आपने भोजपुरी जन मोर्चा पार्टी के आप राष्ट्रीय संरक्षक भी हैं, तो क्या आप अगर जनता द्वारा चुनकर आते हैं तो क्या करेंगे भोजपुरी और भोजपुर वासियों के लिए? देखिए, पहला तो भोजपुरी क्षेत्र जो गांव में आज 75% लोग गांव में रहते हैं, जिसमें 50% जो गांव में गरीब रहते हैं, तो हमने सोचा है कि गांव में ही हम उद्योग लगाएंगे, हम गांव में ही उनको काम देंगे और गांव में ही हम विकास करेंगे। क्योंकि शहर का विकास, हमने गांधी जी का भी बात सुना था कि भारत गांव का देश है, तो उस देश को हम संकल्प लिए हैं कि वहाँ जाल बिछाएंगे, ताकि ना मॉरीशस जाना पड़े, ना बम्बे जाना पड़े, ना कलकत्ता जाना पड़े, उनका रोजगार जो है यहीं पर मिले। बिहार में कितने विधानसभा सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है? अंतिम दौर था,
इसलिए मैं अभी आरा विधानसभा से ही अभी पर्चा भरा है। अब इसका जो है कल तक न्यूज आ जाएगा कि कहां कहां से भोजपुरिया जन मोर्चा भोजपुरी क्षेत्र में पर्चा भरा है, क्योंकि अभी तक हमने दोए मांगा था 15 ठो, लेकिन दो पर हमने समझौता कर लिया था कि कराकाट और आरा, लेकिन ये दोनों नहीं मिला, तब जाके आज हम मजबूरी में हमने आज पर्चा भरा।